हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई थी, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर को आज़ाद होने में 72 साल ज़्यादा लगे, क्या कहेंगे सर? नहीं, ऐसा है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज पूरा देश जो है वो स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, और कुछ ऐसी धाराएं थी जो दूरियां पैदा करती थी, जैसे 370 हो या 35A हो, लेकिन अब वो भी हट गई हैं और पूरा भारतवर्ष, जिसमें जम्मू कश्मीर भी है, वो स्वतंत्रता दिवस जो है बड़ी धूमधाम से मना रहा है। और आपने देखा होगा कि इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है उसमें और भी 4 चांद लगे, हमारे खिलाड़ियों ने भारत का मान सम्मान बढ़ाया है और मेडल जीतकर वो वापस भारत लौटे हैं, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी उनका हौसला बढ़ाया है, पूरे देश ने बहुत ही उनका मान सम्मान किया है, और आने वाले दिनों में भी पूरा देश जो है वो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, मान सम्मान के लिए, विकास के लिए आगे बढ़ेगा। सर, जम्मू कश्मीर में परिसीमन किया जा रहा है, जल्द ही इलेक्शन भी हो जाएंगे, सियासी गतिविधियां चल रही हैं, क्या लगता है आपको रुख किस तरफ रहेगा? नहीं नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की डिमांड जो लोगों की थी, बड़ी पुरानी डिमांड थी, और बड़ी देर से जहाँ डिलिमिटेशन नहीं हुआ था, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं का आदर मान और सम्मान करते हुए डिलिमिटेशन कमीशन बनाया और उस पर कार्य चल रहा है। बहुत जल्द डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट देगा, और उसके बाद जहाँ पर चुनाव भी होंगे और एक चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में भी होगी। सर, जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ इशारा है, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, पार्टी सब पार्टियों को अधिकार है कि वो अपना जो अधिकार है उसे उसका उपयोग करें और इलेक्शन लड़ें, ये लोकतंत्र है, इसमें किसी को कोई रोक की बात नहीं है, अपना अपना स्वभाव है, जहाँ जहाँ जी चाहे, जहाँ जहाँ उनकी पावर्स हो, इलेक्शन लड़नी चाहिए, और इलेक्शन के बाद चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो आएँ और इस देश और जम्मू कश्मीर की विकास में और अपना सहयोग जो है वो दें। ये थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी, आज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ जम्मू कश्मीर और पूरा हिंदुस्तान मना रहा है, उन महान योद्धाओं को और स्वतंत्रता सेनानियों की याद में आज हम यहाँ पर आए हैं भारत माता चौक में। यहाँ पर भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू, जय जम्मू, जय भारत।